प्रीस्ट चर्च में प्रवचन करते थे, ये एक सच्ची घटना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीस्ट चर्च में प्रवचन कर रहे थे, तो चर्च में प्रवचन करते करते उन्होंने लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन एक बात ऐसी बोल दी जिस बात ने एक आदमी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। प्रीस्ट ने कहा, सन, अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास है, विल पावर है, राइट, आपके अंदर एक चावल के दाना जितना आत्मविश्वास है, विल पावर है, क्योंकि प्रीस्ट ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज इंपॉर्टेंट। स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा कोट है वैसे तो, ये स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल आर इंपॉर्टेंट। तो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नजर में, स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे तो पूरा देश काम करता है, पूरी दुनिया काम करती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, विल इज इंपॉर्टेंट। तो उससे पूछा गया मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उसने बोला विल का इंपॉर्टेंस क्यों है तुम्हारी नजर में। उसने बोला जब मैं बाउट लड़ रहा हूं, जब मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा अपोनेंट मुझे जब घूंसा मार के गिरा देता है, तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार और, मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार और, तो मेरी विल मुझे उठाती है। तो विल आर इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर नॉट। तो वो प्रीस्ट बहुत अच्छा उन्होंने बातें करी, उन्होंने बोला अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। बात खत्म होगी, बहुत सारी बातें, लोग वापस जाने लगे। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, एक लड़का लंगड़ाता लंगड़ाता फादर तक आया, उसको पोलियो था, उसकी एक टांग खराब थी, दाहिने पैर में उसको पोलियो था। तो उसने फादर से बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा, उसने बोला फादर मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, क्या ये सच है कि आपके अंदर अगर एक चावल के दाने इतना सा भी आत्मविश्वास हो तो यू कैन डू वंडर्स, इज इट ट्रू? फादर ने कहा यस सर, व्हाट डू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो? अब उस लड़के ने जो सवाल पूछा उसने फादर के होश उड़ा दिए। उसने कहा फादर मैं इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? यस आई हैव दैट विल पावर। अब फादर भी चौंका, फादर ने बोला हाउ इट इज पॉसिबल, मैंने तुझको देखा तू तो लंगड़ा के आ रहा है, तेरे को तो पोलियो आई थिंक। उसने बोला यस सर, लेकिन विल पावर तो पूरी है, इज इट पॉसिबल? फादर चुप रह गया, बात खत्म हो गई, लड़का घर चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़का इस घटना के 8 साल के बाद दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना, कार्ल लुईस उसका नाम है, 3 ओलंपिक गोल्ड हैं, पैरालाइज विद द राइट लेग। द पावर ऑफ विल पावर, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ विल पावर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। कल तो मैं कहानी भी सुना रहा था कॉन्फिडेंस की बहुत सारी, तो यहाँ पर टाइम कम है तो मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उससे पहले जो रोल प्ले करता है वो है वैल्यू सिस्टम।